हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं प्रियंका और आप सब हैं मैक पीपल में। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हर इंडियन गर्ल वुमन को फेस करना पड़ रहा है इन गर्मियों के मौसम में। तो जैसा कि ब्यूटी टिप्स में हमेशा आपके संग शेयर करती आई हूँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस बेस पे, तो कुछ दिनों से वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज मैंने अपने एक्ने जर्नी के बारे में आप सबको बताया है। तो बहुत बैड एक्ने, वर्स्ट केस था मेरा, जिस वजह से लास्ट 6 मंथ्स में मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही थी अपने फेस पे, ना कोई मेकअप ना कोई ऑर्गेनिक चीज, सिर्फ और सिर्फ मेडिकेटेड चीजें जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। तो नाउ आई एम ओके, अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर आई कैन गो विथ माई DIYs। मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक चीज से, ऑर्गेनिक चीज या हर्बल चीजों के संग वो मैं कर सकती हूँ, आई एम टोटली फाइन। तो आज मैं सोच ही रही थी कि मैं कुछ ना कुछ अभी नया जो है आप सबके संग शेयर करूंगी। सडनली मुझे रियलाइज हुआ मॉर्निंग में कि मेरा कलर है वो जब मैं मेडिसिन खा रही थी तो वो थोड़ा एनहांस हुआ है, मतलब थोड़ा साफ हो गया है। लेकिन जैसे ही गर्मी की छुट्टियां मैंने मेरी जो ली थी वो मैंने खत्म मेरी खत्म हुई और मैं बाहर जाना स्टार्ट किया, मैंने वो ऑफिस गोइंग एंड वो वापस आना जाना धूप में, पॉल्यूशन में, धूल मिट्टी, तो चेहरा जो है घर आने के बाद, जब देखो अभी जो मेरा चेहरा है ये मेरा, मैंने मॉर्निंग में जो भी लगा कर गई थी मैं सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर वही लगा हुआ है, काजल तो गायब ही हो गया है आंख से। तो ये मेरा हमेशा होता है क्योंकि एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है मेरे स्किन पे और हम सबकी समस्या है। पसीना अलग चीज है और एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होना एक बहुत ही डिफरेंट चीज होता है। तो जिनका ऑयली है और ज्यादातर जो है गर्ल्स जिनका ऑयली स्किन होता है वो इस सीजन में सबसे ज्यादा जो है समस्या फेस करती है वो है चेहरा जो है उनका काला पड़ना लग जाता है और ज्यादा चिपचिपा डल काला जो काला स्किन जो है आपका दिखता है। और उसके वजह से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप कितना मेकअप लगा रहे हो कुछ देर बाद वो मेकअप जो है केकी दिखने लग जाएगा क्योंकि आपके आपका चेहरा ऑलरेडी ऑयल छोड़ रहा है, आपको ऑलरेडी बहुत पसीना आ रहा है, दाग धब्बे जो है सन जो है सन की धूप होती है इस वजह से जो है और ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो जमना स्टार्ट हो जाती है आपके चेहरे पर। तो मैंने पहले भी बोलती थी और अभी बोलती हूँ कि CMT बहुत जरूरी है, क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर जो आप करते हैं साथ साथ में सनस्क्रीन, आप फाउंडेशन लगाओ ना लगाओ, BB लगाओ ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सनस्क्रीन शुड बी देयर। मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन तो होना ही चाहिए आपके स्किन पे एवरी मॉर्निंग बिफोर लीविंग योर हाउस। तो आप एक काम कर सकते हो, एक आप 9 बजे लगा लो और एक टाइम मिलता है लंच ब्रेक के बाद 1 बजे सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। तो आपको 2 बार तो सनस्क्रीन चाहिए ही चाहिए। और जो गर्ल्स जो वुमेन्स घर में रहती है उनके लिए भी मस्ट है क्योंकि वो गैस के पास होती है, कुकिंग कर रही होती है, स्वेट और हीटिंग जो है वहां का वो ले रही होती है, तो उनको भी जरूरी है कि वो एक बार कम से कम दिन में सनस्क्रीन घर में भी है तो जरूर लगाएं। तो उससे क्या होता है थोड़ा स्किन डैमेज आपका जो है वो कमता है और स्किन रिपेयर रहता है, मॉइस्चराइज रहता है। और मैं खुद फील कर रही हूँ कि पहले से मेरा स्किन टचवुड थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो अभी सडनली जब मैं बाहर जाना स्टार्ट किया मैंने 10 दिन से, तो मुझे फील होने लगा कि मेरा स्किन डल हो रहा है, ये फोरहेड से किनारे जो है टैन हो रहे हैं। तो टैनिंग होना या स्किन डल दिखना, चिपचिपा दिखना, चेहरे पर चमक नहीं होती है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी गर्मियों के सीजन में हमारे जैसे लड़कियों की जिनका स्किन ऑयली है। जिनका स्किन ऑयली नहीं भी है वो भी बाहर जाते हैं तो टैन हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाता है और डल हो जाता है। तो ये जो आज का जो DIY है जो मैं नया सॉल्यूशन लेकर आई हूँ सारे स्किन पे काम करेगा विदाउट एनी डाउट। और आप सबको पता है कि आप तक जब भी मैंने आपके संग कुछ भी शेयर किया है वो ऑनेस्टली शेयर किया हो वो जरूर वर्क करता है। तो फटाफट चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। सारे इंग्रेडिएंट घर पे मिलेंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किचन बजट में जो भी चीजें आती हैं उन चीजों से हम अपना DIY रेडी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपको जो है इस प्रोसीडियर के लिए चाहिए व्हीट फ्लोर, मतलब आटा जो हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है, 1 टेबलस्पून जो है शुगर चाहिए होता है, ये जो है आधा कटा हुआ टमाटर है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, पीसा हुआ नहीं है, ग्रेटेड है, आप पीस के भी ले सकते हैं, और ये 2 चम्मच जो है घर की जमाई हुई फ्रेश दही है, ये हाफ कटा हुआ टमाटो है, और मेरा फेवरेट आफ्टर ऑल वाइल्ड टर्मेरिक है। अगर आपके पास नहीं है आंवला हल्दी तो मैं जो भी अमाउंट लूंगी किचन हल्दी जो आप उससे थोड़ा कम लेना,
ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन चुनिंदा चीजों से, देखिए आप एक दो तीन चार पांच चीजों से जो है बहुत ही वंडरफुल सा चीज रेडी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है इसका। तो चेहरा साफ कर लेने के बाद, पहले आपको चेहरा साफ कर लेना है, चाहे आप कोई भी क्लींजर यूज करें, चाहे किसी भी तरीके से वाइप्स यूज करके आप कर सकते हैं, और सिर्फ पानी से नहीं धोना है, उसे अच्छे साफ साफ कर लेना है। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आधा कटा हुआ टमाटर हम लेंगे, आप देख सकते हो, और ये मैंने जो है चीनी ले रखी थी तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और अब हमको क्या करना है, इस टमाटर को इसमें करना है प्रेस प्रेस प्रेस। सबसे बेस्ट स्क्रब होता है स्किन टैनिंग के हटाने के लिए, जो दाग धब्बे हैं चेहरे से हटाने के लिए, और साथ साथ आपके स्किन को जो है एक बहुत अच्छा सा व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो चलिए फटाफट स्क्रब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लेंस कर लेना है। मैंने अपना चेहरा धो लिया था आने के जस्ट बाद, पर मीनवाइल मैं जो है जब ये सारे प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरी शायद कुछ डस्ट रह गया, तो मैं ये वेट वाइप्स यूज कर ले रही हूँ फॉर मोर प्रिकॉशन। आप पर अपना चेहरा धोकर करेंगे, मैंने धो लिया है पर फिर भी ज्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए मैं इसे वाइप से जो है वाइप कर ले रही हूँ अच्छे से। तो मेरा चेहरा रेडी हो गया है, थोड़ा सा नेक पोर्शन भी कर लेती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी हर जगह बैठता है, और चाहे मेकअप हो चाहे किसी भी तरह का आप ये यूज कर रही हैं, सॉल्यूशन यूज कर रही हैं, तो नेक का भी ख्याल रखना है। तो चेहरा मेरा साफ हो गया है, तो चलिए बना लेते हैं। इसमें दो स्टेप हैं, एक हम बनाएंगे स्क्रब और दूसरा बनेगा हमारा फेस मास्क, स्किन व्हाइटनिंग फेस मास्क बनेगा। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि स्क्रब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा टमाटो रेडी हो गया है। बस इसे प्रेस करते हुए नीचे आप कोई भी ऐसे ट्रे या बर्तन रख ले जिससे गिरे, जैसे मैंने रख रखा है। और ये फ्रेंड्स बेस्ट स्क्रब होता है ऑर्गेनिक वे की, अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हैं। सारे स्किन के लिए अच्छा होता है, डेड सेल रिमूव करता है, साइट्रिक एसिड जो है इसमें, विटामिन सी है ऑलरेडी इसमें बहुत सारा, जो आपके स्किन को हेल्दी बनाएगा, आपके स्किन से डेड सेल मिटाएगा, टैनिंग रिमूव करेगा। और टमाटो एक बहुत ही बड़ा व्हाइटनिंग एजेंट भी है, जो आपके स्किन के डलनेस को, टैनिंग को खत्म करता है। और शुगर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो आपके स्किन से धूल डस्ट जो है वो रिमूव करके आपके स्किन को एक बहुत ही यूनिक सा शाइन देता है। ये देखिए, इसको अच्छे से आपको जो है 3 से 4 मिनट कर लेना है। और अगर आपके पास जो शुगर है, मेरे जो शुगर थे वो छोटे दाने के थे, तो मैंने इसे जो है ग्राइंड नहीं किया या क्रश नहीं किया। आप चाहें तो शुगर पाउडर यूज कर सकते हैं, थोड़ा दरदरा पीस लें अगर मोटा दाना है आपके पास तो, क्योंकि अब चेहरे को चुभना भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है इतने दिनों के बाद आप सबके साथ फिर से इस तरह से वीडियो शेयर करना, स्पेशली फॉर स्किन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं आपके संग भी शेयर करती थी। आई डोंट नो आप लोगों ने मिस किया कि नहीं किया, पर मैंने मिस किया है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे, मेरे शॉर्ट्स आते हैं, एक्टिंग करने की थोड़ी कोशिश मैं भी करती हूँ शॉर्ट्स में, तो प्लीज जाएं और उस पर भी अपना प्यार दें। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, और अब स्किन को साफ कर लेते हैं। तो मैं एक और वाइप्स ले रही हूँ और इसे साफ कर ले रही हूँ। आप चाहें तो धो सकते हैं स्किन, तो अच्छे से वाइप कर लेना है। ये देखिए क्या लाइट, ऑटोमेटिक आपको लाइटिंग दिखेगी, ये देखिए इस एरिया पे। और ये आपको स्क्रब जो है आप वीक में 3 बार एकदम आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का जो है तो साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जो है हमारा स्किन व्हाइटनिंग फेस मास्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्किन व्हाइटनिंग फेस मास्क बनाने के लिए मैंने लिया है
दो चम्मच दही जो थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, हाफ जो है ग्रेटेड टमाटो कद्दूकस किया हुआ, आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं, पर मुझे पल्प चाहिए था इसलिए मैंने इसे कद्दूकस किया है, जो मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छे से। और साथ में हम लेंगे हमारा जादुई वीट फ्लोर। जी हाँ, वीट फ्लोर में होता है अल्फा एब्यूटिन, जो एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है, जो आपको जो है स्किन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं जब भी आप स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने जाते हैं। तो वीट फ्लोर जो है उसको हल्के में मत लेना कि वीट फ्लोर में क्या ही होगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून जो है आंबा हल्दी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक चुटकी जो है किचन हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो है केमिकल्स होते हैं या कलर्स हो सकते हैं। तो अब इन सबको करेंगे हम मिक्स 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 अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो फ्रेंड्स, हमारा स्किन वाइटनिंग फिक्स मास्क जो है वो रेडी हो गया। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं अपने चेहरे पे और देखते हैं इसका जादू। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं अपना फेस मास्क। तो एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि आटे में बहुत ज्यादा गुण होते हैं हमारे स्किन के लिए स्पेशली। तो ये ना समझें आप कि वीट फ्लोर क्यों ले लिया, बेसन ले लेते या कुछ और ले लेते, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। मेरा यहाँ मेन टारगेट है कि हमारा जो स्किन है, जो स्कॉचिंग हीट, जो धूप है, चिलचिलाहट वाली जो गर्मी है, और इससे काफी ठंडक मिलेगा। जब इसे लगाओगे ना तो काफी ठंडक महसूस होगी आपको आपके चेहरे पर। तो वो स्किन वाइटनिंग तो करेगा ही, स्किन डलनेस खत्म करेगा, दाग धब्बे जो टोमेटो है वो खत्म करते ही है। स्क्रबिंग में भी हमने टोमेटोज और जो है शुगर यूज किया, जो बहुत ही अच्छे ब्लीचिंग एजेंट है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा जो है आपका स्किन केयर हो जाएगा अगर आप ये यूज करते हो तो। पूरे अच्छे से लगा लेना है और ये पतला नहीं लगाना है हमें, इसे हमें देखना है कि ये अच्छे क्वांटिटी में आपके स्किन पर जो है लग जाए। और अगर आप टमाटो पीस के ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसे प्योरी की तरह नहीं पीसना है आपको, इसके जो पल्प है वो आपको रखने हैं स्किन पे। तो ये याद रखें, मैं तो बोलूंगी कि आप इसे ग्रेट ही करें, कद्दूकस इसको बोलते हैं हम लोग, वही कर लें। और फ्रेंड्स, जो महंगी महंगी क्रीम खरीदते हो ना 500-600 रुपए देकर स्किन वाइटनिंग के लिए, क्योंकि अब हर इंडिया में तो ज्यादातर जो लड़कियां हैं जिनका वीटिश कलर है या डस्की कलर है, तो हम सबकी चाहत होती, किसे नहीं चाहिए होती कि भाई सबका कलर जो है मिल्की वाइट हो, दूध की तरह गोरी सफेद हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सब अलग अलग फैमिली से हैं, हमारा जो है स्किन मेलानिन का लेवल अलग अलग है। लेकिन फिर भी आप कितने गोरे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किन कलर जो भी हो आपकी स्किन क्लियर और ग्लास लुक होना चाहिए, स्किन पर चमक होनी चाहिए। अगर डल और दाग होंगे बहुत सारे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने अपने एक्ने जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी हैं और डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी हैं जो मैं आपके संग शेयर करूंगी आगे भी वीडियोस में। और आपको लगेगा अरे यार इतनी सी बात थी, हम तो सोचते थे कि क्या ही करना है। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी हमेशा, कभी कभी मन किया तो लगाया और नहीं मन किया तो नहीं लगाती थी। और जब मुझे एक्ने थे और मैं जयपुर और जोधपुर जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी, वहां वैसे ही दिन के टाइम में काफी गर्मी होती है, आपने देखा होगा अगर मेरा ब्लॉग जयपुर वगैरह का, तो आप देखेंगे कि हम लोग धूप में घूम रहे हैं। तो वो जो चीज था उस वजह से मेरा कंडीशन और भी बुरा हो गया था फ्रेंड्स। तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि क्लींजिंग टोनिंग सीटीएम जो है वो करना चाहिए, सीटीएम तो करना ही करना है हमें, साथ साथ में सनस्क्रीन भी होनी चाहिए। और ये जो फेस मास्क है ये 110% स्किन वाइटनिंग देता है
ऑर्गेनिकली घर पर बिना किसी झंझट के, जैसे ही आप फ्री होते हो, जो जो घर वाली लेडीज हैं वो दोपहर ही फ्री होती, दोपहर में लगा लें, खाना बनाते बनाते लगा लें, कोई टेंशन नहीं है, नहाने से पहले धुल जाएगा। जो लेडीज वॉकिंग है वो जैसे ही आए फटाफट इसे रेडी करें, इसे स्टोर भी कर सकते हैं, इसे आप 2 दिन स्टोर कर सकते हैं। बस इसमें जो है दही का जो पानी है वो कम होना चाहिए, दही वो जो दही लोगे आप वो हंग कर लेना, बिल्कुल दही निचोड़ लेना, और उसमें जो है गुलाब जल ऐड करके उसको स्टोर कर देना, और हाथ नहीं लगाना है उसमें, चम्मच से फिर आप यूज़ करोगे, और स्टोर करके बस रखो फ्रिज में, निकालो लगा लो, तो बेस्ट एंड बेस्ट होता है। तो वीट फ्लावर को इतना लाइटली ना लें, इसमें अल्फा एल्बर्टिन होता है जो स्किन वाइटनिंग एजेंट है, जो हमारे इस आटे में पाया जाता है, जी हाँ। तो जाइए फटाफट जो है आप भी इसको ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। फिलहाल तो कर लेते हैं वेट इसे सूखने का, एकदम कम्प्लीटली ड्राई नहीं करते हूँ मैं, हमेशा बोलती हूँ स्लाइड ड्राई होगा तो इसे मसाज करके धीरे धीरे रख करके उतारेंगे। तो चलिए वेट कर लेते हैं। एक चीज और बोलूंगी, किसी भी तरह का फेस मास्क अगर आपके बाउल में छूट जाता है उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ये काम कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होते हैं हमारे ये हैंड्स, ये पाम्स। नेल पेंट लगाने के अलावा जो है, मैं तो वो भी नहीं लगाती हूँ, देख लो कभी कभी वो भी नहीं लगाती हूँ, तो नेल पेंट लगाने के अलावा हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि भाई पूरे बॉडी में जब लगाएंगे तभी तो लगाएंगे ना, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोज हीट वाटर को ये होता है। अगर आप यूटेंसिल्स क्लीन कर रही हैं तब भी उसके जो हार्श केमिकल होते हैं वो लग जाते हैं, तो भाई फेंकने से अच्छा है कि इनको लगाओ और लगाकर जो है ना सुंदर बनाओ, बिल्कुल चेहरे की तरह। चलिए अब वेट करना कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी स्लाइड ड्राई हुआ है, तो चेहरा जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट पहले हाथ कर लेते हैं साफ जाकर, ताकि जो है स्किन की हल्की सी मसाज करें और उसके बाद जो है इसे फाइनली रिमूव करें। तो फटाफट तो हल्के हाथों से ऐसे मसाज करके, या देखिए यहाँ पे जो है ड्राई हो गया है, और ये तब लगाएं जब आपको लगा के तुरंत धूप में नहीं जाना है। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो शाम में लगा लें, कर लीजिए ये जो रूटीन है, आप खाना बनाने के बाद कर लें या सोने से पहले कर लें, यू विल सी दिस मैजिक। 3 दिन है मेरा स्किन जो है, आप देख रहे थे कितना क्लीन एंड क्लियर था, फिर 3 दिन मैंने इसे अप्लाई किया, 8 वर्ष के बाद आपके साथ शेयर किया है। सो आई अप्लाइड फॉर 3 डेज एंड हैव सीन दिस मैजिक स्पेशल स्किन वाइटनिंग एजेंट, क्योंकि मेरे घर में ना उस वक्त मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, जो भी चीजें थी मैंने फटाफट से उठाया और मिक्स किया और लगाया, स्क्रब किया, और उसके बाद याद आया अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा चीज है जो मैं आप सबके संग शेयर कर सकती हूँ फॉर स्किन वाइटनिंग इन समर, स्पेशली समर में बहुत जो है काला पड़ जाता है स्किन। चलिए फटाफट मैं इसे धोकर आती हूँ, उसके बाद देखते हैं इसका अमेजिंग रिजल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्किन क्लीन एंड क्लियर आपके सामने है, तो ये अमेजिंग रिजल्ट है। आपको स्किन सॉफ्ट क्लीन क्लियर और जो डलनेस है वो नहीं दिखेगा, यू कैन सी माई स्किन राइट नाउ। बस 3 दिन मैंने इसे यूज किया था और स्किन को ऐसा लग रहा था कि राहत, जैसे जब आप बाहर होते हो धूप में, आप सडनली आप एसी में आके सोते हो तो आपको कैसा फील होता है, बिल्कुल आपके स्किन को वैसे रिलैक्स फील होगा। और जरूरी भी है अगर आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, गर्मी बहुत है, स्पेशली अभी हमारे पटना बिहार में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उससे लड़ने के लिए तो ये चाहिए सॉल्यूशन, क्योंकि हमेशा फेशियल और क्लीनअप कराने के लिए जाकर पार्लर में नहीं बैठ सकते, और वो जो है प्रॉप सही भी नहीं है स्किन के लिए हमेशा, क्योंकि एट लास्ट वो केमिकल्स ही यूज करेंगे आपके चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ये स्किन व्हाइटनिंग मास्क अच्छा लगा होगा, और ये जो स्किन केयर मैंने आपके संग शेयर किया है गर्मियों से लड़ने के लिए, या घर पे जरूर ट्राई करेंगी और मुझे कमेंट करके बताएंगी कि आपको जो है ये कैसा लगा हो, आपके स्किन के लिए कैसा रहा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल बटन दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग करें मेरे वीडियो को शेयर, मेरे शॉर्ट्स को, मेरे ब्लॉग्स को दे ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड डे, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।